जमियत उलमाए हिंद तर्फे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष मौलाना जकरिया व जिल्हाधिकारी डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज 2 ऑक्टोबर व उद्या 3 ऑक्टोबर रोजी नंदुरबार येथे मतदार नोंदणी शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविला जात असून नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा इत्यादी तालुक्यांमध्ये सुद्धा राबविला जात आहे. या शिबिरात नवीन नाव दाखल करणे, नावात दुरुस्ती करणे इत्यादी कामे केली जात आहेत. यासाठी तहसीलदार नंदुरबार, नायब तहसीलदार नंदुरबार स्वतः हजर राहून मदत करीत आहेत. तरी नवीन कार्ड ज्यांचे बनविलेले नसतील किंवा नावात दुरुस्ती करावयाची असेल अशा लोकांनी त्वरित संपर्क साधावा असे आवाहन जमियत उलमाए हिंद नंदुरबार तर्फे करण्यात आले आहे. जमियत उलमाए हिंद की तरफ से पूरे मुल्क भर के अंदर वोटर बेदारी मुहिम कैंप लगाए जा रहे हैं. लिहाजा मौलाना महमूद मदनी साहब उनकी आवाज़ पर मुल्क भर में बड़े ज़ोरों शोर से काम चल रहा है. इसी तरह सुबह महाराष्ट्र के अंदर भी हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब 2 रोज़ पहले हमारे ज़िले का उन्होंने दौरा किए तो तकरीबन नंदुरबार शहर के साथ साथ अतराफ के तालुके शहादा, अक्कलकुवा वगैरह में भी ये काम बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है. आज शहर नंदुरबार के अंदर 2 और 3 अक्टूबर के लिए कैंप लगाया गया है जिसमें मतदान कार्ड जिन लोगों के अभी तक बने नहीं हैं तो उनके नए मतदान कार्ड बनाने का काम शुरू है. इसी तरह जिन लोगों के नाम में दुरुस्तगी है, बहुत सारे करेक्शन हैं तो उनके नामों की दुरुस्तगी का काम जो है वो भी शुरू है. बड़े पैमाने पर यह काम कलेक्टर साहब की निगरानी में किया जा रहा है. आज इस मौके के ऊपर नायब तहसीलदार शिंत्रे साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी भरपूर हेल्प की जा रही है. मैं नंदुरबार के आवाम से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक नए फॉर्म नहीं बनाए, नए मतदान कार्ड नहीं बनाए, वो इस कैंप से फ़ायदा उठाएं और जिन लोगों के नाम में करेक्शन है तो वो नामों के अंदर भी अपने करेक्शन करवा लें. 31 अक्टूबर तक इसका टाइम है, लिहाजा 2 दिन यहाँ पर कैंप रहेगा, उसके बाद भी ये काम शुरू रहेगा अपने अपने इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर. तो आपसे ये अपील है कि खूब बढ़ चढ़ कर इसके अंदर साथ दें और जो जिन लोगों के मतदान कार्ड नहीं बने उन तक के इस खबर को पहुँचाएँ.